Hello everyone, today we are going to start how the proteins are formed from DNA in nucleus. तो एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारा जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम जीनोम बोलते हैं. तो सारा जीनोम क्रोमोजोम की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. हमारी बॉडी में 23 पेयर क्रोमोजोम्स होते हैं और क्रोमोजोम्स के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं लीनियर ऑर्डर में. ऑल द जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, नेगेटिवली चार्ज डीएनए होता है और वो जुड़ा होता है पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन से. तो एक कॉम्पैक्ट यूनिट बन जाती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम. पूरा का पूरा डीएनए हमारा एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है, कुछ ही पार्ट हमारा डीएनए का एक्टिव होता है और जो फंक्शनल डीएनए होता है उसको हम बोलते हैं सिस्ट्रॉन. जब वो डीएनए स्विच ऑन होता है तो पर्टिकुलर आरएनए पॉलीमरेज आके उस पर जुड़ जाता है. उसके जुड़ने से एक नया प्रोसेस स्टार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. एंड विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एक नया आरएनए बनके वहां से बाहर निकल जाता है. तो न्यूली फॉर्म्ड आरएनए जो होता है वो इमैच्योर आरएनए होता है क्योंकि उसके अंदर कुछ नॉन फंक्शनल पार्ट जुड़ा होता है, उनको हम कहते हैं इंट्रॉन्स. तो उनको रिमूव कर दिया जाता है और एक्जोन्स को आपस में जोड़ दिया जाता है. तो इससे बनता है मैच्योर आरएनए और उसको हम कहते हैं एमआरएनए और उसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए. तो जब वो न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में आता है तो वो आके जुड़ जाता है राइबोसोम से. तो इसके जुड़ने से एक यहाँ पर यूनिट बन जाती है, उसको कहते हैं प्रोटीन मेकिंग यूनिट. फिर उसके बाद टीआरएनए आके जुड़ता है. टीआरएनए पर्टिकुलर अम्यून एसिड को उठा के लेके आता है अम्यून एसिड पूल से. हमारी बॉडी में 20 तरह के अलग अलग अम्यून एसिड और अलग अलग ट्रांसफर आरएनए की हेल्प से आके वो जुड़ जाते हैं कोडोन पार्ट पे, यू कैन सी इन दिस वीडियो. और लगातार प्रोटीन की चेन और अम्यून एसिड आके जुड़ते रहते हैं तो पूरी प्रोटीन की चेन बन जाती है. अब ये प्रोसेस स्टॉप कब होता है, जब लास्ट में स्टॉप कोडोन आ जाता है उसको हम कहते हैं टर्मिनेटर कोडोन. उसके आते ही ये जो चेन है पूरे प्रोटीन की वो टूटकर अलग हो जाती है और जो ये प्रोटीन बनता है बेटा वो कहलाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर. फिर वो उसी कोइलिंग होती है, फोल्डिंग होती है, उससे बनता है सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर.